अब बच्चों हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, ओम्स लॉ। तो हमें पता है कि जो रिलेशन होती है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होती है, करंट इक्वल होता है एन ई ए वी डी। ये हमने पढ़ा था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, करंट इक्वल होता है एन ई ए वी डी। एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या एरिया क्रॉस सेक्शन और वी डी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाय एम। ठीक है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूरा मैथमेटिकल है। यहाँ पे क्या करेंगे, वी डी की वैल्यू पुट करेंगे तो आई अपना क्या बन जाएगा, तो आई बन जाएगा एन ई ए ई टाउ बाय एम। ये हमने वी डी की वैल्यू पुट कर दी। हमने पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो E इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे अपना जो E है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई ए ई टाउ बाय एम। और ये जो E है इसकी जगह रखेंगे V बाय एल। फिर क्या करना आपको, जो V है इसके नीचे I को ले जाओगे तो ये बन जाएगा V बाय आई इक्वल, V के नीचे I को ले आए, बाकी जो भी टर्म सारे ले जाओ दूसरी साइड, तो एम एल जाएगा ऊपर डिवाइड में एन इंटू इंटू ई ई स्क्वेयर ए टाउ। ये बन जाएगा अपना वी डिवाइड बाय आई, और वी डिवाइड बाय किसके इक्वल होता है, आर के। इसका मतलब यहाँ पे जो वी बाय आई है अपना किसके इक्वल बना, आर के। यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है जो किसकी जगह आया है, तो ये आर कांस्टेंट आया है, आर इक्वल आया है किसके, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ। तो ये रेजिस्टेंस का थर्ड फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला क्या था अपना V बाय आई, सेकंड क्या था रो एल बाय ए, और थर्ड फॉर्मूला क्या होता है एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ। यहाँ पे एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमने ओम्स लॉ निकाल दिया, किसका यूज करते हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करते हुए। तो इसमें जो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रो एल बाय ए के। ये लिख दिया हमने, राइट साइड को बिल्कुल सेम लिखना है। यहाँ पे क्या देखते हैं, एल से एल कैंसिल होगा, ए से ए, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये रो इक्वल आ जाएगा एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर टाउ। तो ये हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ स्मॉल टर्म पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडक्टेंस, पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, कंडक्टेंस जिसका सिंबल होता है जी। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट क्या बनेगी जी की, तो यूनिट बनेगी रेजिस्टेंस की ओम होती है तो उसका उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम मो भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको साइमन भी लिख सकते हैं। ये तीन यूनिट होती है, कौन सी भी आप यूज कर सकते हो, ओम इनवर्स या फिर कंडक्टेंस की मो होती है या फिर साइमन होती है, साइमन का सिंबल होता है एस। अब पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे, तो यूनिट ऑफ सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, इसकी होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, लेकिन रेसिप्रोकल तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर क्या बनेगी मो मीटर इनवर्स, या फिर क्या बनेगी साइमन मीटर इनवर्स। तो ये हमने पढ़ा कंडक्टिविटी। अब पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, जी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है कि अपना जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर में ए क्या होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और कंडक्टर में जब कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे और की कौन करेंगे, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है किसके हिसाब से, उस कंडक्टर के यूनिट एरिया के हिसाब से। तो कंडक्टर के यूनिट एरिया के हिसाब से उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाय ए, यानी इट इज रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग
रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग, ये एक रेशो है किसकी, करंट फ्लोइंग की, किसमें, इन कंडक्टर टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर के एरिया के हिसाब से इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोला जाता है, करंट डेंसिटी। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो यूनिट ऑफ जे वो बनेगी करंट की होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर स्क्वेयर, तो एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वेयर, तो ये इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वेयर। और करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है किसके, जो डायरेक्शन करंट की होती है, तो करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन जो किसकी होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हम देखें तो वो क्या बनेगा, हमें पता है कि करंट किसके इक्वल था, आया था एन ई ए बी डी, जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन थी, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, एरिया, तो ए से ए कैंसिल होगा, तो करंट डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बी डी, इसका सेकेंड फॉर्मूला होता है, ये कब बना, जब हमने करंट को क्या पुट किया, एन ई ए बी डी पुट किया है, ठीक है। अब बेटा आपका घर से काम है, जो कंडक्टेंस है और जो कंडक्टिविटी है और जो करंट डेंसिटी है, इन तीनों के जो डाइमेंशनल फॉर्मूले हैं वो आप खुद बनाओगे, तीनों के जो डाइमेंशनल फॉर्मूले हैं वो आप खुद बनाना, ठीक है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस का डाइमेंशनल फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, रेजिस्टेंस का डाइमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हुए उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टेंस का आ जाएगा, और रेजिस्टेंस से फिर हमने किसका बनाया था, रेजिस्टिविटी का, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टिविटी का आ जाएगा, और करंट का तो बिल्कुल, करंट डेंसिटी का तो बिल्कुल आसान सा डायमेंशनल फॉर्मूला है, करंट का क्या होता है एम्पियर, और एरिया का क्या होगा एल स्क्वेयर, तो क्या बन जाएगा ए एल माइनस स्क्वेयर। तो आज इतना ही पढ़ते हैं हम।